टेंट खुलने का पीछे कारण है कि आने वाले स्वतंत्रता दिवस तिरंगे के सम्मान में, उनका स्वाभिमान में, उसका गौरव में, ऐसा समाज में और राज्य में मैसेज न जाए, सहायक पुलिस कर्मियों ने तिरंगा फहराने में बाधित किया और एक अलग एलिमेंट, एक अलग तरह के नरेशन बने। तो उसके सम्मान में रात ही SSP सर हम लोगों के बुलाए, बोले कि मांग आंदोलन अलग विषय है, जो भी विषय है वो आंदोलन का तरीका हो या मांग रखना हो, आपका सरकार से है, हमसे है, वो हम लोग आपस में लड़ लेंगे, समझ लेंगे, लेकिन राष्ट्र के जहाँ तक मामला है, तिरंगा का मामला है, इसमें आपको हर हाल पर हमको सहयोग करना होगा, उसमें आपको किसी तरह का बाधा पहुँचाने से बचना होगा। तो इसके बाद हम लोग मोराबादी मैदान में सभी साथियों के बीच में आपसी सूझबूझ से मीटिंग करके आज SSP सर से, DIG सर से बात किए और एक सहमति तक पहुँचे कि इस तिरंगा के जो सम्मान है, गरिमा है, उसमें किसी तरह का हमारे द्वारा बाधित न हो और हम लोग तब तक आंदोलन को स्वतंत्रता दिवस तक यहाँ से स्थानांतरण करते हुए उनके द्वारा बोला गया कि खेलगांव में शिफ्ट करा देते हैं। तो उसमें भी हम लोग बोले कि शायद मोराबादी के आजू बाजू ही रखते तो अच्छा होता, लेकिन बोला गया कि कुछ निषेधाज्ञा है, कुछ नियम है, जो 1 किलोमीटर के रेडियस में आंदोलनकारी को रखना हमें सरकार और स्पेशल ब्रांच इजाजत नहीं देगी, ताकि कुछ भी क्या कब क्या हो ऐसा संभावना जताया जा रहा था। तो फिर चिंतन मंथन के बाद यह निर्णय तक हम लोग पहुंचे कि हम लोग खेलगांव में शिफ्ट करेंगे 15 अगस्त को देखते हुए और 16 अगस्त को पुनः मोराबादी मैदान में, यदि मांग पूरा नहीं हुआ तो हम लोग अपना आंदोलन इंकलाम को मजबूत करेंगे, तब तक हम आंदोलन तिरंगे के सम्मान में वहां स्थानांतरित कर रहे हैं। देखिये, सहायक पुलिस कर्मियों के मन में पिछले जिस तरह राज्य सरकार ने समस्त काली का कैबिनेट में देखे, बहुत सारे कर्मचारियों को बहुत उनका मांगों का पूरा किया गया है, तो राज्य का मुखिया और झारखंड का ही मुखिया है, तो हमें पे भी बड़ा दिल दिखाएंगे, हमें आशा और उम्मीद है बहुत जल्द 15 अगस्त भी है, तो 15 अगस्त को हमको लगता है जहाँ तक घोषणा भी करेंगे और आने वाले कैबिनेट में जो भी मेरी मांग है, जो सहमति बनी है 6 सदस्य विधायक के साथ, विधायक सर जिन लोग के साथ, वो हमारी मांगों को कैबिनेट में पारित किया जाएगा, ये आशा उम्मीद है। आपकी उंगलियां भी बरतेंगी, ये देखिए सर, A1 क्वालिटी का सीमेंट लगा रहा हूं मैं। मजबूती का सारा ठेका हम ही लिए हैं का? अरे बॉडी विदाउट स्ट्रॉन्ग बोन किस काम का? देखिए, मजबूत घर चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ अच्छा सरिया भी लगाइए, तभी तो ऐसा घर बनेगा जो पीढ़ियां बरते। तो कौन सा TMT लगाएं? अरे एक ही तो है, भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग, हायर अर्थक्वेक रेजिस्टेंस, फ्लेक्सिबल, बेटर बॉन्डिंग विद सीमेंट और सालों का भरोसा। निर्माण में मजबूती चाहिए तो अच्छे सीमेंट के साथ लगाइए सिर्फ सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है।